हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी के इस समय जो फिजिकल है वो प्रचलन में है। देखिए, यहाँ लगभग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 65% के आसपास, 60 से 65% के आसपास जो बच्चे हैं वो फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी लगभग 35 से 40% कैंडिडेट यहाँ फिजिकल में फेल हो रहे हैं। एवरेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई, ये जो फिजिकल में कैंडिडेट फेल हो रहे हैं या फिर हाइट में जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, ये आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी एक बार फिर से साल 2023 के अंत में आप लोगों को मौका देने वाला है। जिनकी हाइट कम है वो अपना भाई यूपी पुलिस देखें या फिर कोई और विभाग जिसमें आप लोगों की इंटरेस्ट हो, आप लोगों का इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसकी आप लोग तैयारी करें, ठीक है ना। तो जो लोग फिजिकल में फेल हो रहे हैं और उनकी हाइट चेस्ट बिल्कुल सही है, तो वो कुल मिला के आगामी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 84,000 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी करें। और जानते हैं जो लोग फिजिकल में फेल हो रहे हैं उनके लिए नवीन सर ने क्या कहा है। तो इस वीडियो के साथ में मैंने नवीन सर की वीडियो भी मर्ज कर दी है, ज़रा उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरी तरफ से इतना ही कहूँगा, आप लोग आगामी एसएससी जीडी की तैयारी करिए, दिल्ली पुलिस भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करिए, यूपी पुलिस भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करिए, ठीक है। अब जो फिजिकल में आप लोग के साथ हो गया सो हो गया, अब आप लोग मतलब उसी बात को लेकर ना बैठें, अगले एग्जाम की तैयारी करें। चलिए सुनते हैं नवीन सर ने आप लोगों के लिए क्या कहा है। ही आप खुद ही बेस्ट है, और आप अपनी जिंदगी में याद रख लेना, तुमको कोई कुछ भी बोले ना प्यारे बच्चे, कुछ भी कि आप नहीं कर सकते हो, या आपको लगता है आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक डर होता है, ठीक है, एक डर होता है। उनको लगता है कि भाई यह चीज हमारे लिए नहीं है। जैसे हमने अपने पड़ोस में क्लास में किसी अच्छे बच्चे को देख लिया, अच्छा बच्चा हमने देखा कि यहाँ सेलेक्ट हुआ, लोगों ने मन में धारणा बना ली कि वो एक अच्छा छात्र, शानदार छात्र था, इसीलिए कर पाया। ऐसा नहीं होता है, तुमसे होती है, तुम करते हो ना। तो कहते हैं कि जिंदगी भर की मेहनत लगती है अलग पहचान बनाने में। समझते हैं आप, जिंदगी भर की मेहनत लगती है एक अलग पहचान बनाने में, और 2 पल का आलस लगता है उसको भीड़ में मिलाने। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, यानी कि जिंदगी भर की आपकी मेहनत लगी एक अलग पहचान बनाने में, और जब आपके अंदर आलस आ गया तब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप नहीं कर पाएंगे, उस समय आप भीड़ का एक हिस्सा बन गए। तो जिंदगी भर की मेहनत लगती है, जिंदगी भर की मेहनत लगती है एक अलग पहचान बनाने में, और दो पल का प्यारे बच्चे समय लगता है उसको भीड़ में मिलाने में। ये सोच लेना कब आपके डिसीजंस आपको भीड़ में पहुंचाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट।